माय गॉड। और ये अभी यहाँ का सबसे फेमस, कितना सुंदर है ना ये बुद्ध स्टैचू, सुंदर दिख रहे है, वाओ कितना अच्छा रे। चलो बना, फिर से गोल्डन गोल्डन दिखेगा अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉगिंग मैं एकदम चाय पत्ती फैक्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ एक ब्लॉगिंग खत्म भी की हूँ और यहाँ से एक स्टार्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, क्या टेंगा पानी में गोल्डन पकौड़ा जाने वाले हैं। इसके वजह से वहाँ अभी कुछ कुछ होगा वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और अभी यहाँ तो जो जो हुआ वो आप लोग को दिखा दी। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट गोल्डन पकौड़ा और देखते हैं वहाँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं, तो थोड़ा कुछ कुछ क्या बहुत चेंजेस आया होगा जो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट गोल्डन पकौड़ा के लिए। अब सुंदर लग रहा है ना, रिजॉर्ट बना है पानी में, बना है रिजॉर्ट नहीं, नाव का ऊपर बन गया ऊपर। हम लोग एंट्री मार दिए गोल्डन पगोडा के अंदर। इतना नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं, पहाड़ में ऊपर से नजारा दिखाएगा अपना नीचे का ना। पहले हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन पगोडा और ये पहाड़ के ऊपर है, तो थोड़ा उठना पड़ता है ऊपर। तो अभी चलते हैं और शायद इधर एंट्री फीस ले रहे कि नहीं उधर देखना पड़ेगा। अगर एंट्री फीस लेंगे तो देना ही पड़ेगा। कुछ कुछ खाने का आइटम भी बाहर रख दिए उधर भी और इधर भी। ये है सबसे पहला गेट, इतना सुंदर है गोल्डन गोल्डन पूरा, इसलिए गोल्डन पगोडा। यहाँ शायद ये हमारा स्कूटी का पार्किंग का 10 रुपया और इधर 20-20 रुपीस एंट्री फीस। लाडो का एंट्री फीस नहीं लगा, चलो बच गया, तुझे एंट्री फीस नहीं लगा यहाँ से। चलो तो 50 रुपीज़ पूरा हम लोग दिए, उसके बाद अंदर जाने को मिल रहा है अभी। पूरा एकदम सब वो कर रहा है, यहाँ का कैंटीन बंद है, यहाँ कैंटीन था ये बंद है आज। देखते उधर जा, सुनने दो तेरा वीडियो बना देगा हम, दो जा दो चल जल्दी। हाँ चलो बना रहे, जा लट आगे दौड़ के जाओ, बाहर निकल गए तो। कितना खूबसूरत जगह है ये, एकदम ग्रीन ग्रीन और कितने क्लीन रखते हैं यहाँ। वहाँ पर क्लीन कर रहे थे और इधर भी कुछ क्लीनिंग मशीन चल रहा है, जबड़ा सफाई हो रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे और अंदर, और थोड़ा काफी बड़ा है तो थोड़ा बहुत घूम घूम के थोड़ा टाइम ही लगेगा। कितना घंटा घूमना है तुम लोग को, 2 घंटा रहना है, 3 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा भी लोग घूमेंगे बोल रहे इसके अंदर। तो चलते हैं घूमने और कितना अच्छा लग रहा है। चलो हम आगे चलते, चलो वहाँ कहाँ जाएगा वो बड़ा वाला में भी जाएगा ना, एक और एकदम बड़ा सा सुंदर एकदम मंदिर है उसमें भी जाएंगे हम लोग सोच रहे हैं। उसके लिए थोड़ा उधर से जाना पड़ेगा, जाएंगे सब घूर के जाएंगे, जब आए हैं तो सब घूर के जाएंगे। और धूप का वजह से बहुत लाइटिंग आ रहा है इधर से, उधर से अच्छा आएगा क्या, इसलिए काला काला दिख रहे हैं। इसे तो सामने से इतना सुंदर पूरा येल्लो येल्लो दिख रहा है, गोल्डन गोल्डन। कहाँ कहाँ से इसको फोटो खींचने का मन कर रहा है, कितना सुंदर जगह है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ के ना, बहुत ही सुंदर जगह ये। सेम कुशीनगर जैसे हम लोग कुशीनगर गए ना, सेम कुशीनगर, बस यहाँ पब्लिक थोड़ा कम है। चलो उधर से जाएगा इधर से, और वो वाला देखो सुनने की वजह से पूरा अच्छे से गोल्डन गोल्डन दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग को सामने से तो इतना अच्छा गोल्डन दिख रहा है और कितना नया नया कुछ दिख रहा है, तो वो सब देखेंगे अभी हम लोग। हाँ थोड़ा छाए में रुकेंगे, कितना प्यारा दिख रहा है एकदम गोल्डन कलर का। और ये चारों तरफ है लेकिन मैं एक तरफ से दिखा रही हूँ, और ऊपर से सभी ना उधर खड़ी होके गर्म लग गया है, क्योंकि पूरा फूल लोग को पानी दे रहे हैं अंकल। इसका पूरा डाल काट के अभी नया वाला पत्ता निकल रहा है, इसके वजह से फूल नहीं, नहीं तो यहाँ फूल भी होता है इतना सुंदर पूरा रोस रोस। चलो उधर उधर इतना सुंदर फूल लगा एक, हाँ इधर से गोल्डन गोल्डन दिखेगा अभी। आज पब्लिक नहीं, एकदम कम है। लाडो लाडो को घुसा देते इसमें, लाडो किसको घुसा दो, सभी घुसा दे इसमें, देर क्या कर रहे। इतना प्यारा है ये भी,
वहाँ कितना सुंदर, चल थोड़ा सा अंदर से दिखा के लाते, इधर से घुसेंगे कि उधर से, ये उल्टा है उधर सीधा से घुसेगा ना। वो वाला देखिएगा, वो वाला अंधेरा दिख रहा है, आज पब्लिक नहीं है, एकदम कम है। लाडो लाडो को घुसा देते इसमें, लाडो किसको घुसा दो, सभी ना घुसा दे इसमें, देख क्या कर रहे हैं। इतना प्यारा ये भी, वहाँ कितना सुंदर, चल थोड़ा सा अंदर से दिखा के लाते, इधर से घुसेंगे कि उधर से, ये उल्टा है उधर सीधा से घुसेगा ना। वो वाला देखिएगा, वो वाला अंधेरा दिख रहा है, हाँ अब दिख रहे है पूरा गोल्डन गोल्डन, अब कितना सुंदर दिख रहा है, वाओ कितना अच्छा दिख रहा है। जाओ जाओ तुम लोग भी जाओ, उधर फोटो शूट करवा देंगे हम, मैं इन लोगों का फोटो शूट कर दूंगी, क्योंकि इधर से पूरा उधर से उल्टा हो रहा था, इसके वजह से अंधेरा दिख रहा था, लेकिन इधर से पूरा सुंदर दिख रहा है। वाह कितना चेंजेस आ गए, सब नए नए बन गए, कितने सारे, बहुत दिनों के बाद हम लोग भी आए। चलो यहाँ से थोड़ा घूर जाते, कितना सुंदर ग्लो गोल्डन गोल्डन, वाह किधर से घुसेगा, सीधा तरफ से। ये जगह पे हम लोग एक दो फोटो शूट करेंगे, उसके बाद जाएंगे अलग जगह, तो पहले सबीना लाडो मेरा कुछ फोटो शूट हो जाए। यहाँ अब इधर वाला थोड़ा देखिएगा, ये पानी वाला, ये पानी वाला बहुत दिनों से नहीं देखे, इसमें इतने सारे पैसे है अंदर, हाँ इधर से तो अंधेरा आ जा रहा है, लेकिन धूप तो उल्टा पड़ गया ना। वाह कितना सुंदर फूल फ्लावर, और अभी तो इसमें पानी बहुत सारा आ गया, लेकिन मैं यहाँ दिखाऊंगी कितने सारे इसमें पैसे डालते हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा शायद, चमक रहा है, चमक रहा है वो सब यहाँ से जाते, और इसमें इतने सुंदर से बुद्ध स्टैचू, हाँ हाँ तो सभी ने वहाँ पोस्ट मार रहा है क्या, हाँ पोस्ट मार रही है फोटो खींचने के लिए। वो वाला भी नया बना, चलो उसको थोड़ा देख के आता है, जो दिखाते हैं इसको। पूरा सब तरफ से दिखाएंगे, अभी इसमें एंट्री करने के लिए नहीं दिए। वाह कितना सुंदर गोल्डन गोल्डन पूरा, कितना सुंदर है ना ये भी, सुंदर है ना सभी ने ये भी, और ये वाला तो और सुंदर है, इसको कहाँ से देखेंगे, इसको भी इधर से दिखाना होगा। और ये अभी यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है जो आप लोग देख सकते हैं, इतना सुंदर, ये सब तरफ से बहुत सुंदर है, लेकिन इधर आगे से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि आगे से धूप है, धूप उल्टा हो रहा है, इसके वजह से एकदम अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बैक से ही दिखा रही हूँ। कितना सुंदर से इसको फिनिशिंग की है, वाह कितना सुंदर दिख रहा है ये, एकदम महल लग रहा है, महल ताजमहल, ताजमहल नहीं एकदम, क्या बोले इसके लिए कुछ जवाब ही नहीं है, कितना सुंदर से इसका फिनिशिंग है, देख सकते हैं आप लोग, सबसे फेमस अभी ये यहाँ का यही है। वाह कितना सुंदर दिख रहा है वो वाला भी, ये दोनों नया बना है, अभी रिसेंटली बना है ये दोनों, तो इसलिए सबसे फेमस अभी यही दोनों यहाँ पे है, इसलिए यहाँ ज़्यादा आदमी लोग फोटो शूट करवाते हैं, यहाँ और वहाँ उधर कोई कोई लोग घूम रहे हैं, और सबीना को भी यहीं फ़ोटो शूट करवाना है। एकदम रियल लग रहा है ये तो मुझे, ओह माय गॉड, इसको जिसने बनाया है वो काफी इंटेलिजेंट होगा, और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो के बाद में इसको देखी देखो ना ध्यान से देखने के, पूरा एकदम ही रियल लग रहा है, कोई बोलेगा नहीं ये स्टैचू है, ओह माय गॉड सच में वही तो अलग सा एकदम रियल देख रहे लग रहे, हाँ वही तो हम अभी वीडियो बना रहा था ना, मतलब फिर अचानक से हम ध्यान से देखे तो डरेंगे चलते, लेकिन जो जिसने भी बनाया काफी टैलेंट हो गए, जो उसने भी बनाया ये, और उधर वाले में हम लोग नहीं गए क्योंकि उधर अंदर जाना मना है इसके वजह से, तब इधर से चलेंगे उधर, चलो। और कितना अच्छा लग रहा है, वाह मुझे तो मन कर रहा है यहाँ रह जाऊँ, सबीना तो किधर किधर जाके वीडियो बना रही है अपना, आज सब वीडियो बना लेगी वो, तो इधर चलो आओ लाडो हम लोग चलते इधर, सभी ने उधर वीडियो बनाए,
उधर से हम लोग पूरा घूम के पूरा राउंड घूम के इधर आए हैं। अब इधर से एकदम इधर से निकल जाएंगे, इधर बगान घूम लेते। चलो थोड़ा बचा है मंदिर ये वाला, जो इसको अभी हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे, और इसका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत दिखाएंगे सोच रहे हैं आप लोग को। चलो इसको भी थोड़ा घूम के आते हैं, बहुत मेहनत से बना रहे इसको, एकदम सब शीशे का है। अंदर नहीं घुसना है अभी क्योंकि बाहर का भी गेट बना रहे, नहीं तो हम लोग एक बार आए थे तो अंदर चले गए थे क्योंकि इतना गेट नहीं बन रहा था। पूरा भी इसमें काम चल रहा है बम्बू से। पूरा सुंदर लड़की स्टाइल मार के घूम रही है। सबीना को देखिए आप लोग, कितना हीरोइन बन के घूम रही है आज, पलट 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 आज तरह पूरा अच्छा वीडियो बना रहे हम। इधर लाडो को, इधर सबीना को, इन लोग को डांस करने का मन जा रहा है। हम लोग को लगा है बहुत जोर से भूख क्योंकि हम लोग खाना भी खा के नहीं आए थे, एकदम जल्दी जल्दी निकल गए थे, तो अभी सोच रहे कहीं कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे। इसको भी भूख लग रहा है, इसको भी भूख लग रहा है, मुझे भी भूख लग रहा है, तो खाना जरूरी है एकदम से। मैंने अब चलते हैं स्कूटी के पास पार्किंग जहाँ लगा के रखी हूँ, और इधर ही कुछ खाएंगे, नहीं तो देखते हैं कहीं और, देखते हैं कुछ अच्छा खाने को मिल रहा होगा तो इधर ही खा लेंगे ना। किधर खाना है, इधर खाना है कि उधर कहीं? किसका अंदर, अंदर जाना है क्या? नहीं वो कैंटीन बंद है ना, कैंटीन में मिलता है ना, एक खुला है उसमें मिलता है और एक खुला है, उसका अंदर फिर जाएगा। चलो तब अंदर से लेते हैं। क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम लगे इसे, हर जगह जहाँ जाएगी वहाँ आइसक्रीम ही खाना है इसको। कौन सा वाला लेगा? हम लोग यहाँ से लिए आइसक्रीम, तीन 20-20 रुपीस पड़ा है एक, तीन आइसक्रीम लिए और बाहर से कुछ खाएंगे। आइसक्रीम से तो पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन सबीना को कहीं भी जाएगा तो आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पता नहीं इतना आइसक्रीम का दीवानी की हुई रहती है। नंबर वन आइसक्रीम खाने वाली, टेस्टी लग गई जैसा भी आइसक्रीम हो, बस इसको आइसक्रीम मिलने से मतलब है। तो अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए टाटा बाय बाय, अब फिर आएंगे कोई साल में कोई दिन में ना, ठीक है? चलो स्कूटी की चाबी निकालो, कहाँ है? कुछ उसका डेट लिखा हुआ है ना, ठीक है हमें करते हैं। तो अभी हम लोग आधे रास्ते में रुक के, और ये सीढ़ी जो गोल्डन पकोड़ा गए थे वही रास्ते से उधर से, लेकिन बंद करके रखे थे, इसके वजह से हम लोग उधर से नहीं उठे, तो अभी ये उल्टे। ओह माय गॉड, इधर से भी पूरा बंद करके रखे, हम लोग जाते समय नहीं देखे थे, लेकिन अभी पता चल गया कि ये सीढ़ी को बंद करके रख दिया, लेकिन यहाँ से पूरा अच्छा नजारा दिखाई देता था, पूरा पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ हाईवे के ये साइड में, इसको साइड पर आते समय ध्यान नहीं दिए थे कि यहाँ पूरा एकदम ही बंद कर दिया ऊपर जाने के लिए, नहीं तो यहाँ से कितना अच्छा वाला नजारा देखने को मिलता, लेकिन अभी क्या करें नहीं चल गया उधर उधर, पूरा सीढ़ी पूरा पहाड़ के ऊपर था, ये पहाड़ है इसके ऊपर से हम लोग जाके आए अभी। चलो फायदा नहीं है, सभी ने बोल रही थी बंद है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था इस पे। घूम के आएगा लोकल सब्जी, चलो तेरे ने चावल है, चावल लोकल चावल है, लोकल चावल है, हम सोचते थे व्हाइट प्लास्टिक में क्या है ये, इधर थोड़ा देख के जाएगा, थोड़ा वीडियो बनाएगा, समझा चावल ही है, दूर से देखने पर लग रहा था क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या आंटी हा? मुल्ला नहीं, लोसा है, लोसा है, ये बम्बू है ना आंटी? बम्बू का अचार है ना, ये बम्बू का अचार है, इसे बना के रखे, सब में बम्बू है, हम लोग थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। और ये वाला है राजमा, सोयाबीन राजमा, राजमा हरदी, क्या ये आंटी? ये वाला तो इतना यूनिक लग रहा है हम लोग को, क्या करते हैं इसको? बॉयल में डालता है, बॉयल में नहीं, वो मछली हम लोग बनाता है ना, हाँ। तीन तीस तरह मिक्स करके देना है, अच्छा सेंड आता होगा ना, मौसरा ही थोड़ा आगे जाते हैं, ब्लड आ रहा है क्यों पता नहीं, नहीं तो मच्छी का सेंड आ रहा है।
चलो आज तो पूरा घुमा दिया, लाडू का सरप्राइज मिल गया बड़ा बड़ा वाला, मजा आ रहा है। बम्बू बम्बू सेम, और ये है तीता करेला, ये वाला तो हम लोग भी खाए हैं इसको। ये क्या आंटी, ये दीदी ये सोयाबीन है, अब भूल गए सोयाबीन होते। चलो चलो चलो, ये वाला मिर्चा झाल एकदम, एक खाएगा पूरा दुनिया भूल जाएगा, सभी ने खा लो एक, दुनिया नहीं भूलने। ये बहुत ही तीखा होता है, ये बहुत ही तीखा होता है। चलो थोड़ा इधर घुमा देंगे, चलो वाह कितना सुंदर दिख रहा है, वो रहा ब्रिज। यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग नदी काफी क्लीन है और फिशिंग चल रहा है। हम लोग आ चुके हैं घर, अब पूरा शाम हो गया, इतना दिन में गए थे लेकिन अभी पूरा शाम हो गया। माय गॉड, स्कूटी को डायरेक्ट घुसा ही देना ठीक था ना, मुझे स्कूटी को डायरेक्ट घुसाना ही पड़ेगा, बेकार में यहाँ बंद की हूँ। कड़वा चौथ, इसके वजह से भाभी इधर रचाने आई है मेहंदी, सबीना इधर रचा रही है एक हाथ पे, और कितना सुंदर लगाई है। नाम लिखने वाला नहीं बनाया, बना दो, मुझे यहाँ अभी बनाना पड़ेगा नाम लिखने वाला मेहंदी, ये तो सिंपल सिंपल बोल बोल के फिर भी हम लोग डिजाइन बना दे रहे। तभी यहाँ फाइनली मैं पूरा भाभी को मेहंदी लगा के रेडी कर चुकी हूँ, और इधर बैक और इधर आगे, और इनका हस्बैंड का नाम है अनीस, इसलिए मैं अनीस भी लिख दी हूँ, पूरा दिल बना के दिल में डाल दी हूँ। और सबीना इधर देखिएगा, सबीना का ये पीछे का आगे डाल देता है, आगे का करजे में डाल देगा, आगे देखिए भाई कम्प्लीट होगी, देखिएगा आगे का। और ये भी सुंदर बनाई है सबीना, भी सुंदर डिजाइन लगाई है। तो चलते हैं डिनर बनाने के लिए, और सुंदर सुंदर मेहंदी भाभी का कलर आ जाएगा पूरा। यहाँ एक और भाभी के हाथ पे मेहंदी लगा है, पूरा नाम लिख लिख के, इनका हस्बैंड का नाम छोटे लाल। तो इधर इनका पूरा कंप्लीट बैक कीजिए, आप बैक कीजिए, प्राय 10 बज गया अभी तक मेहंदी लगवा रही थी मेरे से, कंप्लीट हुआ अभी। तो अभी अपना डिनर भी हो चुका है और भाभी लोग भी जा चुके हैं मेहंदी लगा के, आज इतना टाइम लग गया क्योंकि कल करवा चौथ थी तो आज उनको मेहंदी लगाना था, तो तीन भाभी आई थी, तीनों को मेहंदी लगा दी है, और कितने हाथ गंदे हो गए मेहंदी लगा के, जब भी मेहंदी लगाती तो ऐसे गंदे हो जाते हैं। तो अभी मुझे करना होगा वीडियो एडिट, और मैं डिनर भी नहीं की हूँ तो चलती हूँ डिनर करने। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सभी लोग देखिए पड़ी सो गई है, पड़ी सो गई है।